हे गाइस, आज कोई इंट्रो नहीं होगी क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट अ मूवी एक्सप्लेनेशन। ये एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय वन ऑफ अ मूविंग शॉर्ट फैमिली मेंबर लक्ष्य श्रवण की। लक्ष्य श्रवण सेज कि उनके साथ दो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि दो सुपरनेचुरल घटनाएं हुई हैं। ये एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो नहीं है, लेकिन हमारे जैसे एक आम पर्सन की कहानी है। मे बी हो सकती है कि आपको ये कहानी उतनी डरावनी ना लगे, मे बी आपको भूतों पर यकीन ना हो, या फिर आपको लगता है कि ये सब कुछ सच नहीं होता। लेकिन बस कुछ पल के लिए ही आप इन सब थॉट्स को साइड कर लें और सोचें कि ये कहानी सच है और ये आपकी खुद की कहानी है जो आपके साथ हुई हो, एंड सब अभी मिलके इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सोचते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य श्रवण और मैं इंडिया के भोपाल से हूँ। मेरे पास मेरे साथ घटी हुई दो इंसिडेंट्स हैं। डर का वो पहला एहसास, किस्सा एक। ये हादसा मेरे और मेरे भैया सिड के साथ हुआ था। मैं आपको मेरे भैया का असली नाम तो नहीं बताऊंगा, इसलिए सिड नाम ही ठीक रहेगा। ये घटना जब मैं 6 या 7 साल का था तब की बात है और मेरा भाई 12 या 13 साल का था। हमारे घर पर मेरे सबसे बड़ी दीदी की शादी चल रही थी, तो एक रात हम सब, मतलब यानी कि पूरा परिवार, रूम में जगे हुए थे। हम सारे भाई बहन मिलके गेम्स खेल रहे थे। तभी मेरे भाई सिड एंड मुझे दोनों को ही तेज़ भूख लगी। दोनों भाई के पास मिलकर 40 रुपये थे, तो हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ खाएंगे। हमारे घर के दो दरवाजे हैं, एक फ्रंट और दूसरा बैक डोर। छिपते हुए हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे घर के सामने ही एक पुलिस स्टेशन था एंड उसके आसपास ही सारी दुकानें थी। बट हम गए तो देखा कि सारी दुकानें बंद थी और जो पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर एक स्ट्रीट लाइट थी जो उस अंधेरे रास्ते को थोड़ी बहुत रोशनी दे रहे थे, क्योंकि बाकी के स्ट्रीट लाइट जो थे वो जल नहीं रहे थे। पुलिस स्टेशन के सामने ही एक पानीपुरी वाला खड़ा था। भूख इतना ज़्यादा और आसपास की दुकानें भी बंद थी, तो हमने पानीपुरी खाई। उस पानीपुरी वाले ने एक येलो कैप एंड ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पानीपुरी से पेट भर गया और हम दोनों घर की ओर जाने लगे। कुछ ही कदम चले थे कि मेरे भैया ने कहा कि तूने पैसे दिए। मैंने कहा कि आपने पैसे दिए, मैंने कहाँ दिए। हम उस पानीपुरी वाले को पैसा देना भूल गए थे। पैसा देने हम पीछे पलटी तो मुड़ के देखा कि वो पानीपुरी वाला वहाँ नहीं था और जो इकलौती स्टेशन के ऊपर जल रही स्ट्रीट लाइट थी वो भी ब्लिंक होने लगी। तो हम दोनों डर के वहाँ से जल्दी से भागकर अपने घर चले आए और वहाँ पर सबको इस बारे में कहा कि हमने भूत या फिर पता नहीं कुछ तो देखा। इस हादसे के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे रात को घर पे ही कुछ भूत दिखने लगे। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे घर के लोग, यहाँ तक कि मेरे पापा भी मेरे डरावने सपने में आने लगे और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। फिर कुछ सालों के बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए और मेरी लाइफ अब बहुत नॉर्मल है। आज भी मैं जब उस घटना के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। लक्ष्य श्रवण कहते हैं कि आप सबको लगता होगा कि इंसिडेंट फेक है, बट मैं जानता हूँ कि ये रियल है। वेल, आई एम जस्ट ए नरेटर, तो मैं जज नहीं करूँगा कि ये फेक है या रियल है, तो आप ही डिसाइड करें। लेकिन थोड़ी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस वन, लक्ष्य ने अपना करेंट एज मेंशन नहीं किया है। हो सकता है कि वो 30 साल के हो या फिर 20 साल के हो या मे बी 10, इट्स अ मिस्ट्री। पॉइंट टू, 7 साल की उम्र में लक्ष्य के पास पूरे 40 रुपये थे। वैन आई वॉज 7, मुझे 1 रुपये की चॉकलेट के लिए लिटरली पूरा दिन भीख मांगनी पड़ती थी। लकी यू। खैर, पॉइंट नंबर 3, घर के 2 डोर्स थे, फ्रंट एंड बैक। घर के सामने अगर पुलिस स्टेशन था तो देन वाई बैक डोर। इस वक्त टाइम क्या था, इट्स अ मिस्ट्री। एंड द लास्ट पॉइंट 4, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पानीपुरी वाले ने बिना पैसे लिए छोड़ कैसे दिया। नाउ ये प्रूफ है कि ही वॉज नॉट ए रियल पानीपुरी वाला, मे बी ए गोस्ट, मे बी ए चोर। क्योंकि असली पानीपुरी वाला भैया जिस तरह लड़कियों को नहीं छेड़ता, उसी तरह वो कभी भी पैसे लेना नहीं भूलता। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, थैंक्स लक्ष्य फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। कहानी कुछ भी हो, मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा। गाइज, एक वन टाइम वीडियो था एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सेंड मी सम गुड मूवी सजेशंस। तो लक्ष्य की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड